शामिल करते हैं झेलम से। पाकिस्तान में आज योम तकबीर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। आज के दिन ही भारत को जवाब देते हुए पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया का प्रेशर होते हुए भी 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। इसी हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर यूथ विंग चौधरी अरसलान जवेद मोमन ने ग्रेट न्यूज के साथ बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 28 मई का दिन योम तशक्कर भी है और योम तकबीर भी है। 28 मई को 5 एटमी धमाके किए हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, और उससे पहले इसी महीने जब भारत ने एटमी धमाके किए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा धमकियां दी थी। इसके मुकाबले में तमाम तर दबाव के बावजूद हमारे कायद मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए और मुल्क की सलामती और बका के लिए जो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और उस मौका पर जितने भी हमारे कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनके साथ जितने भी उनके जो है मावनत जिन्होंने की वो सब शामिल थे, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और देखें, हर साल ये दिन आता है और हर साल हम इसको बड़े जज्बे के साथ बड़े अज़म के साथ ये मनाते हैं, और इंशाल्लाह आज के दिन हमें ये अहद करना चाहिए कि जिस तरह हमारे लीडरों ने और हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने पाकिस्तान के लिए खिदमात पेश की, हमें भी हर वक्त अपने मुल्क के लिए डट कर रहना चाहिए। मुल्क की सलामती और बका की खातर जब भी हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत पेश आए, हमें डट कर अपने मुल्क के लिए खड़ा होना चाहिए।